बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर टॉपिक इज़ द वॉलेटिलिटी ऑफ ए लिक्विड। ठीक है, यहाँ फिर आप गौर से सुने, मैं वॉलेटिलिटी ऑफ लिक्विड की बात कर रही हूँ, वॉलेटिलिटी ऑफ वाटर की नहीं या किसी स्पेसिफिक लिक्विड की नहीं, मैं ऑल लिक्विड्स के बारे में आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कोई भी लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल्स के पास अगर एबिलिटी हो, इफ मॉलिक्यूल्स हैव एबिलिटी टू लीव देयर सरफेस एट लार्ज अमाउंट एट रूम टेम्परेचर। कोई भी मॉलिक्यूल्स हों किसी भी लिक्विड के, ठीक है, उनके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो सरफेस से बाहर जा सकें लार्ज अमाउंट में, ठीक है, कोई प्रोवाइडेड टेम्परेचर ना हो, एक्स्ट्रा टेम्परेचर ना हो, जैसे एवेपोरेशन में हमें चाहिए होता था कि हमें कुछ तो टेम्परेचर चाहिए होता था, ठीक है, कोई हीट हमें चाहिए होती थी, कोई एयर का अमल दखल होता था, ठीक है, और उसकी हमें कंटेनर की वाइडनेस भी हमें चाहिए होती थी कि जितना वाइड होगा उतना ज़्यादा जो है एवेपोरेशन होगी। लेकिन वॉलेटाइल लिक्विड के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये मॉलिक्यूल्स की अपनी एबिलिटी होती है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जितना एवेपोरेशन नहीं होता था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ सम लिक्विड्स, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में देखते हो, जिसकी वजह से आपको ये टॉपिक समझना और आसान हो जाएगा। जैसे कि पेट्रोल एंड एथानॉल। एथानॉल आप नाम सुनते होंगे या नहीं, लेकिन एथानॉल जो है आप इस बात में यूज होंगे कि नेल पॉलिश रिमूवर्स होते हैं और रिमूवर्स जो भी होते हैं मेकअप रिमूवर्स, उसमें ज़्यादातर एथानॉल यूज़ होता है। ठीक है, एथानॉल को अगर आप अपनी पाम में डालें, हैंड पाम में, तो आप थोड़ी देर बाद अपने हैंड को ठंडा महसूस करेंगे। इसका क्या मतलब है कि उन मॉलिक्यूल्स ने जो लिक्विड आपने डाला है एथानॉल का अपनी हैंड पाम में, या अपना हैंड समझ लें और या मॉलिक्यूल समझ लें, ठीक है, तो जब आपने अपने हैंड में डाला तो वो मॉलिक्यूल्स चले गए एयर की तरफ, और जब वो गए तो वो टेम्परेचर रिलीज़ जो उन्होंने हुआ रिलीज़ किया, उन्होंने कोल्ड टेम्परेचर रिलीज़ किया। क्यों? क्योंकि जब वो जा रहे थे वो हाई टेम्परेचर लेकर गए, जब वो हाई टेम्परेचर लेकर गए तो आपके पास लो टेम्परेचर बचा और इस वजह से आपकी पाम जो है ठंडी महसूस हुई। ठीक है, अच्छा, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड्स में कि उनकी हम कैप जो है बंद करके रखते हैं। आपने देखा होगा पेट्रोल, अगर आप उसका उसकी कैप हटा दोगे तो वो जो है वॉलेटिलिटी की वजह से आपको हाफ जग हाफ ग्लास नजर आएगा। अच्छा, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट ही होता है कि कौन सी लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल है, पेट्रोल या वाटर। अगर आप अपना खुद टेस्ट लेना चाहते हो कि आपको समझ आए कि कौन सा वॉलेटाइल ज़्यादा होता है, तो आप एक ग्लास में वाटर फुल करें, ठीक है, और एक ग्लास में पेट्रोल डालें और एक ग्लास में आप एथेनॉल डालें। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो ईजिली आपको अवेलेबल होती हैं, आप तीनों चीज़ें डाल के रखती हैं और आफ्टर वन आवर आप देखें तो आप चेंज देखेंगे, फिर आफ्टर टू और अगर आप स्पेसिफिक चेंज देखना चाहते हैं तो आफ्टर फाइव आवर्स आप देखें तो आपको स्पेसिफिकली नज़र आएगा कि पेट्रोल हाफ ग्लास रह जाएगा और एथानॉल की वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो तकरीबन हाफ से ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका होगा और वाटर जो है एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, वाटर में भी हुई होगी वॉलेटिलिटी, लेकिन वो इतनी स्पेसिफिक नहीं होती कि वो नज़र आ सके। ओके, तो इसलिए हम वाटर को नॉन वॉलेटाइल लिक्विड लेते हैं, यही वजह है कि हम वाटर को वॉलेटाइल लिक्विड नहीं नॉन वॉलेटाइल लिक्विड लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि वॉलेटिलिटी ऑफ ए लिक्विड हम कैसे पता लगा सकते हैं और वॉलेटिलिटी ऑफ लिक्विड होती क्या है। होप यू गेट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।